Hello everyone, welcome to the session. So in this particular session, we will learn how to find number of digit. Logarithm का topic है, बहुत easy topic है और एक बार CAT में question आ चुका है इस पे I think 15 और 16 में I think question आया है. I'm not sure, but एक बार question आया है और एक बार CAT में जो भी question आ चुके हैं वो उस topic को learn करना important हो जाता है. और ये टॉपिक इजी है, बहुत इजी है. इसलिए इजी है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं. क्वेश्चन का वैरायटी पॉसिबल ही नहीं है. एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसी पे सिर्फ वैल्यू चेंज करता है, बस नथिंग एल्स. इसलिए ये टॉपिक इजी हो जाता है लर्न करने के लिए. और इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी मॉक में या फिर एक्चुअल कैट में आए, आप लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर पाओगे. इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी. अब समझ जानते हैं, सॉल्व इसका मेथड सीखते हैं कि क्या है क्या नहीं है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो बढ़ते हैं वीडियो में. तो देखो गाइस, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए ना, एक होता है इसका सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला कि कैरेक्टरिस्टिक्स. एक सेकेंड, CHARACTISTIC, कैरेक्टरिस्टिक. आई होप इंग्लिश सही होगा वर्ड, नहीं तो देख लेना आप अपने से. प्लस वन, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और किसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं और उसमें एडिशन होता है वन का. सो देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ना हम लोग लॉग बी टू द बेस ए, एग्जाम्पल इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं और उसमें वन एड कर लेते हैं. अब हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है. सो देखो गाइस, एग्जांपल से समझते हैं, बेसिक से एग्जांपल. जैसे हम लोग जो नॉर्मल नंबर में जो एक डिसिमल नंबर होता है, कि लेट्स सपोज एग्जांपल 2.342, यहाँ पे हम लोग जो डिसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट या इंटीजर पार्ट. इंटीग्रल पार्ट. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले टर्म को, वन सेकेंड, ये वाले टर्म को फ्रैक्शनल पार्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं और इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं. लेकिन वही जब लॉग में अगर सेम टर्म को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं. तो जब लॉग में इस सेम टर्म को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंटीग्रल पार्ट होता है. और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैंटिसा. ये एडिशनल है, समझ लो. मतलब ऐसे इस क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है इसका, बस समझ लो आप. ये इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को मेंटिसा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो कि 5.672, इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रैक्शनल पार्ट मेंटिसा. आई होप क्लियर. बढ़ते हैं आगे कि सर, ये तो पॉजिटिव नंबर है. अगर नेगेटिव नंबर हुआ, लॉग में नेगेटिव नंबर आते हैं. जैसे मान लो कि लॉग 2/8 लिया, सो इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा. लॉग 2 - log 8, 2 का कितना होता है 0.3010, माइनस और 2 का पावर क्यूब लिया, सो 3 × 0.3010, सो इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा. सो नेगेटिव जो टर्म होता है, नेगेटिव में जैसे वैल्यू आ गया, तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या होगा उसको समझ लेते हैं. क्योंकि पॉजिटिव में समझ लिए हैं, नेगेटिव वाले में समझ लिए लेते हैं. ऐसे मान लो कि कुछ लॉग का वैल्यू आया -3.50. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा और मेंटिसा क्या होगा, आप खुद से एक बार एनालाइज करो कि क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स. और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप मैक्सिमम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 लिया होगा, -3, और मेंटिसा को 0.5. बट ये गलत है. अब क्यों गलत है समझते हैं थोड़ा सा इसको. जैसे देखो यहाँ पे, एक सेकंड, जो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है,
और मेंटिसा को 0.342। अगर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा को सम किया, ये मेरा नंबर अब फाइंड होगा, ये मुझे नंबर मिलेगा ना, इस कैरेक्टरिस्टिक्स 2 प्लस 0.342, सो वी विल गेट द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। बट यहाँ पे अगर माइनस में, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेट सपोज -3 लिया और मेंटिसा का 0.050, सो इसको ऐड करो तो कितना आएगा सेकेंड, सो ये आएगा ना -2.50, -2.50 ये तो आएगा ना, आई होप। -3 प्लस 0.50, इसको हम सम करेंगे तो -0.50 आएगा, लेकिन मेरा तो नंबर है -3.50, ये नहीं हुआ। सो यहाँ पे जब माइनस टर्म में होता है तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो नंबर होता है ना, इससे एक हम लोग ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -4, या नेगेटिव टर्म में इसको रिप्रेजेंट करो तो एक हम लोग कम लेते हैं, इसका -4 हो गया। और देखो जो मेंटिसा होगा वो 1 माइनस जो ये टर्म होगा डिसिमल के राइट हैंड साइड में, उसे सब्ट्रैक्ट करके लेंगे, सो 1 माइनस 0.5050। अब इसको आप ऐड करो, यू विल गेट -3.50, सो ये नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स -4 होगा और मेंटिसा 0.50 होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, नथिंग बिग थिंग्स इन दिस कॉन्सेप्ट। सो अब हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से प्रोसेस को समझते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसको मैं प्रूव भी करूंगा कि मान लो कि 2 का पावर 10, हम लोग को पता है कि 1024 होता है, यहाँ कितना डिजिट हुआ, 4 डिजिट। अब हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 निकालना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किसका लेंगे, लॉग का, तो इसका हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग 2 का पावर 10 प्लस 1, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लेंगे, 2 10 पावर में है, इसको मल्टीपल में हम लोग ले सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी बेसिक फॉर्मूला से लॉग का फॉर्मूला, तो 10 log का 2, log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए आप लोगों को। मैंने बोला था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि इतने वैल्यू, मतलब 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 5 का वैल्यू, ये 3 वैल्यू लॉग का आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 3.010 प्लस 1, ये आ गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव में है, कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी 3 और यहाँ पे +1 4। देखो प्रूफ हो गया, 4 यहाँ पे भी आया 4 यहाँ पे भी आया। सो ये बेसिक अप्रोच है, और देखो कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस यही एक अप्रोच है और कोई वैरायटी होता ही नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज 15 का पावर 20 में हमको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिजिट, सो इसको हम लोग ये करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लेंगे लॉग, तो लॉग लेते हैं, log 15 पावर 20 प्लस 1, 20 log 15 प्लस 1। अब हम लोग को 15 का वैल्यू पता नहीं है, लॉग का 15 का वैल्यू क्या होता है, लेकिन हम लोग 15 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 3 और 5, वी नो द वैल्यू log of 3 and log of 5, 20 log 3 into 5 +1, 20 log, ये तो पता होना चाहिए, इसको हम लोग 3 प्लस log 5 में लिख सकते हैं, लॉग फॉर्मूला, log m into n = log m plus log n। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी बेसिक फॉर्मूला, +1, ये है 20, 20 log 3 का वैल्यू 0.4771 प्लस log 5 का वैल्यू 0.6991 प्लस 1। सम करते हैं इन दोनों का, तो 9 और 0.6991
9, 7, 16, 1, 9, 7, 16, 17, 1, 6, 4, 10, 11, and 2, 20. 20 का मल्टीपल प्लस 1, 1 इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है, इसको ऐड नहीं करना है, तो ऐड मत कर देना, कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है, तो इसको हम लोग ये करते हैं मल्टीपल 2, 6 to 12, 2, 1, 7 to 14, 1, 15, 1, 2, 1, 3 और 2, 23.522 + 1, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कितना होगा 23, 23 प्लस 1 इक्वल टू 24, तो इसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ गया 24. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी बेसिक, बस एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है, जो नंबर दिया है उसको लॉग लो, लॉग लेकर उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फाइंड आउट करो, उसमें 1 का एडिशन कर दो, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, वेरी बेसिक टॉपिक. अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो देखना ओपन सोर्स में कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने खुद से वैल्यू ले लो, जैसे 20 का पावर 15 ले लिया, चलो इसका फाइंड आउट करते हैं, समथिंग 50 का पावर 20 ले लिया, इसका नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करते हैं. ऐसे ना आप खुद से लो और सॉल्व करो. अगर कुछ डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डालो कि हाँ सर या भैया मैंने ये नंबर लिया, इसका आंसर मुझे इतना आया, आप चेक कर दीजिए कि ये सही है या गलत, आप इतना कर सकते हो, मैं वेरीफाई कर दूंगा कि हम आपका जो आंसर आया है वो सही है या गलत, इतना मैं कर सकता हूँ. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न नंबर ऑफ लीडिंग जीरो का कॉन्सेप्ट, ये नंबर ऑफ लीडिंग जीरो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी से रिलेटेड है, उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स का रोल आता है. सो सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन उसका थोड़ा सा चेंजेस है. सो वो चीज़ें हमको सीखना समझना है, बस नथिंग एल्स. सो मिलते हैं वीडियो गाइज नेक्स्ट वीडियो में. सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.